नमस्कार श्रोताओं, आरआर टेल्स की कहानी यात्रा में आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है सहन शक्ति की महिमा। यह कहानी यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के जीवन की सच्ची घटना है। महात्मा सुकरात बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। सारा यूनान उनका आदर करता था, परंतु उनकी धर्मपत्नी थी क्रोध की साक्षात मूर्ति। हर समय लड़ती रहती, मीठा बोलना तो उसने सीखा ही नहीं था। ऐसा लगता था चीनी उसने कम खाई, सदा कुनैन ही खाती रही। सुकरात घर पर मौन बैठते तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती। हर समय चुप ही बैठे रहते हैं, वे कोई पुस्तक पढ़ते तो चिल्ला उठती, आग लगे इन पुस्तकों को, इन्हीं के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया। एक दिन वे कहीं बाहर से आए तो पत्नी ने इसी प्रकार बकना झकना आरंभ कर दिया। सुकरात के कुछ विद्यार्थी और भक्त भी उनके साथ थे। उन्होंने इस बात का बहुत बुरा माना, परंतु सुकरात फिर भी मौन ही बैठे रहे। पत्नी ने इन्हें मौन देखा तो उसके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। वह और भी ऊंची आवाज में बोलने लगी। सुकरात फिर भी चुपचाप बैठे रहे। पत्नी ने तब क्रोध से पागल होकर मकान के बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भरा, शीघ्रता से आकर सारा कीचड़ सुकरात के सिर पर डाल दिया। तब सुकरात हंसकर बोले, देवी आज तो पुरानी कहावत गलत साबित हो गई। कहावत है कि गरजने वाले बरसते नहीं, आज देख लिया कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। यह कहकर सुकरात हंसने लगे, परंतु उनका एक विद्यार्थी क्रोध में आ गया। उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं। सुकरात बोले, नहीं, यह मेरे ही योग्य है। यह ठोकर लगा लगा कर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। इसके बार बार ठोकर लगाने से ही मुझे यह पता लगता रहता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं। सुकरात की पत्नी ने यह शब्द सुने तो झट से उनके पैरों में गिर पड़ी। रोती हुई बोली, आप तो देवता हैं, मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा। श्रोताओं, यह है तप की महिमा। तप और सहनशीलता से आखिरकार मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। बुरे व्यक्ति भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम जो कहानियाँ लेकर आते हैं उनके बारे में अपने सुझाव हमें अवश्य दिया करें, ताकि हम भविष्य में अपने आप को और बेहतर बना सकें और अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।